तो सीएम योगी के बयान ने बवाल खड़ा कर दिया कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जा सकती है तो थाने में जन्माष्टमी क्यों नहीं मनाई जा सकती। बस क्या था? विरोधियों को बैठे बिठाए योगी पर हमला करने का एक मौका मिल गया और उसके बाद किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं तो समझते हैं। योगी ने बजाया विवाद का डमरू, सड़क पर नमाज तो थाने में जन्माष्टमी पर क्यों ऐतराज, होगी अजान तो बजेगा डमरू ढोल और चिमटा। ये उस सीएम का बयान है जिसको चुना गया यूपी को जोड़ने के लिए। ये उस सीएम का बयान है जिसे वोट देने वाला अजान भी पढ़ता था, मंत्र भी और बाइबल भी। मैंने प्रशासन से कहा, सभी प्रदेशों के जो अधिकारी है मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरे सामने का आदेश पारित करिए कि माइक हर जगह के प्रतिबंधित होने चाहिए, हर जगह बैन करो। आगे तय करिए कि किसी भी धर्म स्थल में उसकी परमिशन के बाहर उसकी आवाज आनी ही नहीं चाहिए। क्या इसको लागू कर पाएंगे? अगर लागू नहीं कर सकते हैं तो फिर इसको भी हम लागू नहीं होने देंगे। ये अनुरोध चलेगा, यात्रा चलेगी। अगर मैं सड़क पर ईद के दिन नमाज पढ़ने से रोक नहीं लगा सकता तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं थानों में जन्माष्टमी के पर्व को रोकूं, कोई अधिकार नहीं। जिसके हाथ में पूरी कानून व्यवस्था हो, पुलिस से प्रशासन तक जिनके हाथ में हो, उसकी आंखों पर धर्म, आरती और अजान का चश्मा अच्छा नहीं लगता। क्या योगी ऐसा बोलने के लिए मजबूर थे या उनके भीतर से उनकी हिंदुत्ववादी छवि बोल रही थी? थाने में जन्माष्टमी रोकने वाला कौन था और अगर पिछली सरकार थी तो क्या आप भी उसी सरकार के नक्शे कदम पर चलेंगे? ये सिर्फ योगी नहीं बोल रहे थे, इसका मतलब था उनका दल, उनका दिल, उनकी सरकार, सबकी यही लाइन थी। विवादों के डमरू का नाद बहुत दूर तक सुनाई दे रहा था। योगी ने धर्म का चश्मा पहना तो फौरन इस चश्मे को उतारने मौलानाओं की फौज आ गई। सबने सरकार को राजधर्म की याद दिलाई और कुछ ने अपनी भड़ास भी निकाल ली। नमाज सड़क पर कोई नहीं पहुंचता है, नमाज ज्यादातर मस्जिद में होती है और मस्जिद अल्लाह का घर है। सड़क के ऊपर नमाज जुमे वगैरह में अक्सर मुसलमानों के यहाँ ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि जुमे में तादाद बहुत होती है, लिहाजा लोग सड़क के ऊपर आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन उसका अच्छा इंतजाम करता है तो इसकी वजह से आपसी कोई टकराव नहीं होता है, लिहाजा जिस तरीके से चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए तो बेहतर है। ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, दे हैव देयर रिलीजन। लॉ डज नॉट रिक्वायर दैट दे शुड नॉट हैव एनी रिलीजन। In their personal life, they can definitely treat himself as Hindu. He can perform as much puja as he wants. He can visit as many temples as he wants. But as Chief Minister, he is neither Hindu nor Muslim. सवाल ये है कि कौन रोक रहा है जन्माष्टमी को? मैं जहाँ रहता हूँ पूरे दिन जन्माष्टमी का जो जुलूस निकलता है उसमें हम नमाज के माइक बंद कर देते हैं, अजान जोर से नहीं होती इसलिए कि जुलूस निकलता हुआ होता है। कौन मना करता है? ये सांप्रदायिकता, ये फिरका परस्ती कौन फैला रहा है? आप धर्म की राजनीति करना चाहते हैं? आप कहते हैं हम धर्म की राजनीति नहीं करते, फिर धर्म की राजनीति करना चाहते हैं? विपक्ष ने योगी के इस बयान पर उन्हें खरी खरी सुना दी। विरोधियों ने उनकी सरकार को बांटने वाली सरकार तक बता दिया। देखिए, आजादी से लेकर अब तक जिस अमुख संगठन को तिरंगे झंडे से प्यार ना हो, वो धर्म और जात के जिस तरीके से मजहब को बांटने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है और लगातार 2014 के बाद केंद्र सरकार में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में योगी जी जब से आए हैं, मदरसों की करा रहे हैं, नवजात बच्चों के नरसार पर चर्चा नहीं हो रही है, मदरसों पर चर्चा कर रही है। कि ये उनको मालूम होना चाहिए कि मुसलमान किसी की कृपा पे जिंदा नहीं है। और मुझे लग रहा सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए फिर हिंदू मुसलमान करके समाज को बांटना चाहती है। अब अगर एक मुख्यमंत्री जी इस तरीके की बातें कहेगा तो फिर प्रजातंत्र में रह क्या जाएगा, संवैधानिक पदों का दायित्व क्या रह जाएगा? इस तरीके के हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से बयान की उम्मीद नहीं। सरकार किसी धर्म या जाति की नहीं होती, लेकिन यूपी में सरकार पर यह बात शायद लागू नहीं होती। क्या योगी पिछली सरकार के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं या योगी के भीतर का हिंदुत्ववादी छवि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।
तो सीएम योगी के बयान के पीछे की मंशा क्या है, वो हिडन एजेंडा क्या है जिसके जरिए ये बयान दिया गया, और वो कौन सी मजबूरी है या फिर जरूरत है जिसके जरिए इस तरह बयानों का सहारा लिया जा रहा है, और क्या वाकई ये योगी का बयान ना होके पार्टी की भी थीम लाइन है, और क्या अगले आने वाले चुनाव की तैयारियां भी कर ली गई है, ये समझने की कोशिश है। बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, साथ ही साथ कृष्णकांत पांडे जुड़ रहे हैं कांग्रेस से मेरे साथ, प्रदीप सिंह बंबू मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, मौलाना आरिफ काजमी मेरे साथ जुड़ रहे हैं चेयरमैन हैं AIIF के, जितेंद्र खुराना मेरे साथ जुड़ रहे हैं संयोजक हैं हिंदू जागरण अभियान के, अनिल के अंकुर वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अकरम अंसारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मोमिन अंसार सभा। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी आप ही के पास आना चाहूंगा, उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। राकेश जी, कौन सी मजबूरी है, कौन सी जरूरत है कि इस तरह की बयानबाजी रह रहकर होने लगती है? सर, सीएम पहले सीएम है योगी या फिर हिंदू या मुस्लिम, ये क्या समझाने की कोशिश की गई? घनश्याम जी, वही समझाने की कोशिश की गई है जो अब तक उत्तर प्रदेश में होता रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था और क्या होना चाहिए, इसको स्पष्ट किया है मुख्यमंत्री ने। पूर्ववर्ती सरकार के समय में जिस तरह से मंदिरों से लाउडस्पीकर उतारे जाते थे लेकिन मस्जिदों की अजान पर कोई रोक नहीं थी, जिस तरह से थानों में जन्माष्टमी मनाने पर रोक लगा दी गई थी, जिस तरह से कांवड़ यात्रा में डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी जानबूझ करके अल्पसंख्यक तुष्टिकरण करने का काम पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किया जा रहा था, उत्तर प्रदेश में इसकी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम सबका साथ सबका विकास और तुष्टिकरण किसी का नहीं, ये बिल्कुल स्पष्टता के साथ होगा। नमाज सड़क पर यदि पढ़ी जाती है व्यवहारिक आधार पर, राकेश त्रिपाठी तो क्या सीएम के इस बयान के बाद यही मैसेज गया है, यही मैसेज गया जो आप समझा रहे हैं मुझको, या फिर मैसेज अलगाव का भी है असल में? सर, विभेद का भी है, कोई अलगाव का नहीं सर, अंतर स्पष्ट कर रहे हैं ना, आप किसके मुख्यमंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये क्यों समझा रहे हैं जिससे दूसरा समुदाय आपसे खफा हो जाए? ना बिल्कुल नहीं, ये नहीं समझा रहे हैं, बहुत साफ साफ समझा रहे हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, नियम से चलेगा, कानून से चलेगा, विधि के समक्ष समता से चलेगा। ये बहुत स्पष्टता से समझाया है कि देश तुष्टिकरण से नहीं चलेगा, देश को कोई एक मजहब को खुश करने के लिए शासन की नीतियां नहीं बनाई जा सकती हैं, शासन सबके लिए है। अगर सड़क पर नमाज की व्यवस्था है तो थाने में जन्माष्टमी मनाने की व्यवस्था भी देनी पड़ेगी आपको। अगर राकेश जी, यह समय आपका फॉर्मूला है सर, यह आजमाई हुई तरकीब है आपकी, आपने इलेक्शन के दौरान बिजली को बांट दिया था सर, कब्रिस्तान शमशान की बात आप करते थे, वो बहुत फायदेमंद हुआ ना, वो बहुत फायदेमंद हुआ, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं क्या सर? ये बता दीजिए कि टू बी कंटिन्यू 2019 तक, तो हम ये भी समझ जाएंगे। आप सच में समझना चाहते हैं या संदेश उलझाना चाहते हैं? सर, मैं समझना चाहता हूँ, पूरा प्रदेश भी समझना चाहता है सर। आपने सबका साथ सबके विकास की बात कही थी सर, उलझनों के लिए आपको नहीं लाए थे हम लोग। मैं बिल्कुल समझा देता हूँ, अब आप विनम्रता के साथ समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में शमशान के लिए फंड का कटौती करना, कब्रिस्तान के लिए फंड जारी करना, ईद पर बिजली की निर्बाध गति से सप्लाई करना और होली दिवाली पर बिजली की सप्लाई को रोकना, ये शासन का धर्म नहीं हो सकता है। और हमने यही कहा था कि अगर ईद पर बिजली मिल रही है तो होली दिवाली पर भी बिजली पूरी मिलनी चाहिए। अगर शमशान के लिए पैसा नहीं आवंटित हो रहा है तो कब्रिस्तान के लिए भी ना हो, अगर कब्रिस्तान के लिए आवंटित हो रहा है तो शमशान के लिए भी हो, ये विधि के समक्ष समता होनी चाहिए। हम तो हमेशा विधि के समक्ष समता की बात कर रहे हैं, हम तो समता मूलक समाज की बात कर रहे हैं, ना भूल जाते हैं। वैसे प्रदीप सिंह साहब, ये कौन सी कोशिश है, ये कौन सा बयान है जो योगी आदित्यनाथ असल में समझाना चाहते हैं, क्योंकि फिर हर बात पे पूर्ववर्ती सरकार का जिक्र किया जाता है, आपकी सरकार का फोबिया खत्म नहीं हो रहा लग रहा है। प्रदीप सिंह से बात करेंगे, लेकिन उसी बीच मौलाना आरिफ का आकाश भी मेरे साथ नोएडा स्टूल में है। मौलाना साहब, इस तरह का बयान जो खुद सीएम देते हैं और उसके बाद उनके प्रवक्ता यहां समझा रहे हैं, समझ में आती है क्या बातें? देखिए, मैं आपको इस चीज का साफ और अच्छे अंदाज में बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि जन्माष्टमी थाने में हम नहीं मना कर सकते, इसलिए कि मुसलमान ईद में या जुमे में जब कहीं भी सड़कों पे नमाज पढ़ता है, जाहिर सी बात है कि जिस वक्त मस्जिदों में जगह नहीं होगी तो बाहर आएगा रोड पर। लेकिन मेरा सवाल ये है सीएम आदित्यनाथ जी से भी और जो लोग इनकी हिमायत कर रहे हैं उन लोगों से भी कि थाने के अलावा भी कहीं ना कहीं जन्माष्टमी मनाई जा सकती है, और क्या थाने ही सिर्फ बचे? अगर असल में क्या हुआ, आजकल आप देख रहे होंगे उनके बयान में आपको कोई दिक्कत महसूस होती है क्या, ये बताइए। मैं वही बता रहा हूँ,
आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए मैं इस चीज़ को दोबारा से फिर आपको बता रहा हूँ कि जिस वक्त हम नमाज ईद यानी कि ईद की नमाज और जुमे की नमाज जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, चूंकि ईद की नमाज और जुमे की नमाज सब मस्जिदों में नहीं होती, बाकी नमाजें सब मस्जिदों में होती हैं। ईद की नमाज के लिए जुमे की नमाजों के लिए कुछ ही मस्जिदों को बनाया जाता है कि भाई वहाँ जुमे की नमाज होगी या यहाँ। मना नहीं कर रहे ना, आपको मना नहीं कर रहे हैं साहब, आपको मना नहीं किया गया, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर इजाजत यहाँ है मैं वही तो कह रहा हूं। दूसरे धर्म के लोगों को भी गीत संगीत की इजाजत हो, डमरू बजाने की इजाजत हो, चिमटा बजाने की इजाजत हो, आप भी रोज रोज नहीं करते और वो लोग भी नहीं करते रोज रोज, फिर मुखालफत कहाँ पे है ना, विरोधाभास कहाँ पे होता है? वही बता रहा हूँ मैं, हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि हम किसी भी सरकारी जगह पर नमाज पढ़े हैं, जैसा कि हॉस्पिटल है या थाने हैं या इस तरह की चीजें हैं जो सरकार के अधीन आती हों, जो सभी कौमों की मिलकर के एक तरह से सरकारी जो संपत्ति होती है या धरोहर होती है, हम लोग वहां पर बाकायदा नमाज नहीं पढ़ते। अलबत्ता हम ऐसी जगह पर जब पब्लिक बेकाबू हो जाए तो ऐसे रोड पर पढ़ते हैं जिस पर लोगों को परेशानी ना हो, यानी कि ऐसे रोड पर कभी कभी पढ़ लेते हैं कि दूसरे रोड से सवारियां आना जाना कर सकती हैं। अब मेरा मानना यह कि अगर होता है सर, आप मुझसे ज्यादा अच्छे जानते होंगे सर, कितनी घटनाएं आती हैं, रात रात भर क्या होता रहता है, ये भी सुनते हैं ना सर, सारी चीजें क्या क्या होता रहता है सर, किस तरीके से लोग सड़कों पे निकलते हैं, उत्पात भी मचाया जाता है कई बार, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। वो एक अलग मसला है, अब आता है कि मसला नहीं आता, बताइए, वो एक अलग मसला है, वो एक अलग मसला है, उसको प्रशासन सोचे, प्रशासन उसके उसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि जब हम लोग सड़कों पर करते हैं तो सड़कों पर आपकी होली दिवाली ये सारी आप देख लीजिए, आप सड़कों पर मुस्तकिल होली जलाते हैं, होली एक ऐसा त्योहार है कि आपका मुस्तकिल सड़कों पर जलाया जाता है, आप ना आपके घरों के आंगन में जलाते हैं ना अपनी घरों की छतों पर जलाए जाते हैं, इसलिए कि वो ऐसा मसला है कि उसको घरों में या छतों पर या अपने घरों में के अंदर नहीं मनाया जा सकता। आज तक किसी आदमी ने भी ये मना नहीं किया कि आप होली जो है रोड पर या चौराहे पर क्यों मना रहे हैं। जितेंद्र खुराना, एक नई बहस शुरू हो गई है क्या यहाँ से? देखिये, दो मिनट आ रहा हूँ राकेश जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। आज में प्यार बढ़ना चाहिए सभी समाज के अंदर, ये राजनीति का मोहरा ना बने हमारे मुस्लिम मित्र जो हैं, मुस्लिम समाज जितने मौलाना हैं ये राजनीति करने वालों का मोहरा ना बने। अब इसके पीछे समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, उनको तो वोट बैंक चाहिए, इसके बीजेपी को भी चाहिए ना। हाँ। लेकिन अभी बीजेपी के तो जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है। हाँ। अब उसका विरोध कुछ भी करे, कोई सरकार विरोध तो करना है। अब ये बेचारे लोग हमारे जो भोले भाले मुस्लिम समाज जो है वो इसका मोहरा बन पा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इतनी सारी घटनाएं हैं जहां पे मंदिरों में भी जगह ना मिलने पर नमाज पढ़ने की जगह दी गई है, खुशी से दी गई है। अभी एक बहुत बड़े हिंदू मठ के अंदर इफ्तार पार्टी दी गई, उत्तराखंड के अंदर कभी स्थान नहीं मिला तो गुरुद्वारे में मस्जिद की नमाज के लिए दी गई, यहाँ तक कि मुंबई में गणेश पंडाल में भी दी गई। ऐसा नहीं है, हम आप इस बात की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब सरकारी पैसे से हज सब्सिडी दी जाती है या सरकारी पैसे से हज हाउस बनाया जाता है तो एक त्योहार जो साल में एक बार आता है, देखिए जुमे की नमाज तो हर हफ्ते आती है और मैं कभी उसका विरोध नहीं करता। हाँ, बस मेरा यही निवेदन रहता है कि जो सुबह का जो और जो नमाज का जो समय है वो जो कानून है उस 6 बजे का टाइम है उससे पहले कृपया ना करा जाए, 4:30 साढ़े 4:30 बजे के समझाने लगे, आप भी समझाने लगे ना, आप भी समझाने लगे, आप भी समझाने लगे ना, फिर किस चीजें क्या। अच्छा, एक बात मैं और कहूंगा, जब जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहली बात उन्होंने कही कि सूर्य नमस्कार और नमाज के बीच में उन्होंने समानता बताई, आप उसको भूल गए? आप मुझे एक बात बताइए, अगर उन्होंने अभी ये बात कही कि भाई ये लोग पत्रकार ही ऐसा सवाल करते हैं जिसका उनको जस्टिफाई करने के लिए दूसरा उदाहरण देना पड़ता है और विपक्ष उसका मुद्दा बनाता है, और होता क्या है यहाँ मौलाना साहब और मैं आपस में बीजेपी से दो लोग हैं क्या जितेंद्र खुराना और राकेश त्रिपाठी में, ये समझूं क्या? मैंने क्या बोला बताइए मुझे आप, मैंने क्या बात कही? मैंने ये कहा कि सौहार्द बनना चाहिए सर, समाज में सौहार्द बनना चाहिए सर। आप सीधी सीधी बात है सर, योगी जी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं ये बताइए मुझे। मैं योगी जी के इस बयान को सबका साथ सबका विकास की दृष्टि से देख रहा हूँ। कृष्णकांत पांडे साहब, कहीं कोई पक्षपात नहीं है। ठीक है कृष्णकांत पांडे साहब, क्या वाकई सबका साथ सबका विकास देखा जा रहा है? क्या धर्म के चश्मे से सारी चीजें नहीं तोली जा रही? कैसा एनालिसिस आपका है घनश्याम जी?
हम उस देश में रहते हैं जहां अनेकता में एकता है, तमाम धर्म संप्रदाय जाति मजहब के लोग रहते हैं। मुख्यमंत्री जी के इस बयान का कोई मतलब ही नहीं, ना सार्थक है ना निरर्थक है। हम मुख्यमंत्री जी के उस बयान की बात करना चाहते हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी सांसद के रूप में कहते हैं कि हत्याएं क्यों हो रही हैं। मुख्यमंत्री के रूप में कहते हैं मौतें होती रहती। हम मुख्यमंत्री जी के उस चीज के लिए के विरोधी हैं कि एक तरफ गोरखपुर में नरसंहार हो रहा है, 70-70 बच्चे जो है मृत्यु के कगाल में जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इलाहाबाद में 56 भोज व्यंजन का स्वाद लिया जा रहा है। हम मुख्यमंत्री जी के 15 अगस्त के उस बयान के विरोधी हैं कि 24 घंटे गांवों को, 15 अगस्त का बयान है, बिजली दी जा रही है, विकास हो रहा है। हम जानना चाहते हैं 8000 रुपए की थाली भूल गए आप, बिजली दी गई है जब यूपीए। हम प्रधानमंत्री जी के उस बयान को जानना चाहते हैं जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि 99% लोगों का गन्ना का भुगतान हो गया है। कहां गन्ना का भुगतान हुआ है? हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं 350 एलईडी बल्ब 50 रुपए में मिल रहा है, चाइना का मिल रहा है, इसके अलावा और कहां मिल रहा है? एक गांव का कृष्णकांत पांडे साहब, बाकी सारे बयानों पे एतराज है, लेकिन आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उससे आपको कोई एतराज नहीं है? मतलब आपको लगता है कि ठीक कहा मुख्यमंत्री साहब ने? यह समझूंगा घनश्याम जी, यह मुद्दा ही नहीं है, मुख्यमंत्री का यह मुद्दा प्रदेश की जनता को मुद्दे से भटकाने का यह बयान है। बाकी इस बयान का धर्म निजी और धर्म को जिस तरह से सड़क पे ले आने का काम किया जा रहा है, अरे हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान दो आंखें हैं, अब उस पे बहुत ज्यादा करने का कोई इस बयान का कोई मतलब? अगर आप लोगों ने माननीय कृष्णकांत जी, आप लोग जब किसी वक्तव्य पे जब आप लोग प्रतिक्रिया देते हैं तभी मुद्दा बनता है। अगर ये मुद्दा था ही नहीं तो बाकी दूसरे विपक्ष के नेताओं को प्रतिक्रिया देने की क्या आवश्यकता थी? प्रतिक्रिया दे देकर के आप मुद्दा बना देते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए जी। क्या मैं आप खंडे स्वयं सोचिए, आप राजनीति उत्तर प्रदेश के तो आधा उत्तर प्रदेश बाढ़ में डूबा हुआ है। देखिए मैं बताता हूँ मुद्दा आपको जिसपे होना चाहिए, कानून के डूबा हुआ है। आज नाबालिग बालिका के साथ, चौथे क्लास के बालिका के साथ बलात्कार दुराचार कर रहा है, नाजायज लड़कों के साथ दुराचार हो रहा है, गरीब मुसलमानों के सामाजिक बनाइए, अस्पताल बनाइए, विद्यालय खोलिए, दूसरे के मुसलमान संगठन कब्जा कर रहा है, को उसके करना चाहिए बात, जो उसका आप लोग नहीं करते का काम करती है। हम इसके विरोधी हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान का मतलब केवल इतना है कि सारे मुद्दे को प्रदीप सिंह जी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि असल में ये असफलताओं को छुपाने का एक तरीका है, और जो नए भारत की परिभाषा समझाने की कोशिश की जा रही है वो कम से कम समझ समाजवादी पार्टी को नहीं आता। ऐसा क्या कह दिया मुख्यमंत्री ने जो आपको समझ नहीं आता? सर आप भी यही करते थे लेकिन लोग कोई और होते थे, तस्वीर तो वही है। प्रदीप सिंह जी, घनश्याम जी, मैं अकरम अंसारी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोमिन अंसार सभा से। प्रदीप सिंह जी फोन लाइन पे मेरे साथ, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, बहरहाल उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही, लेकिन अकरम भाई आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूँ घनश्याम जी, जैसे योगी जी ने अभी जो बयान दिया उन्हीं ने कहा कि जैसे हम लोग सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं और जन्माष्टमी के ऊपर भी हम लोग पूरे तरीके से त्योहार मनाएंगे, उनका इस बात का स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हीं ने इसी के साथ उत्तर प्रदेश में सबके साथ की बात की थी, वहीं पे मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर उन्हीं ने वहां पे छुट्टी को खत्म करने का काम किया है। जब वो ये कहते हैं कि हम सबको लेकर चलते हैं, सबकी बात करते हैं, आज मोहम्मद साहब के जन्मदिन के ऊपर आप छुट्टी खत्म कर देते हैं, कहते हैं आपको त्योहार नहीं बनाने देना है, तो ये तो धमकाने का काम करते हैं। इनकी कथनी और करनी में फर्क है, योगी जी को कथनी करने में फर्क नहीं करना चाहिए। आप तरह तरह के मुद्दे लाके अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं, और जहां पर किसी को एतराज नहीं है किसी तरीके से किसी बात का, लेकिन आप जब इस तरीके की मुसलमानों की जो ऐसी छुट्टियां, इतनी अजीम शख्सियत की जन्मदिन की बात थी तो आपने वो छुट्टी खत्म कर दी, उसके बाद आपने तरह तरह की जो है शिकायत, मतलब ये कह दिया कि हम ठेके नहीं देंगे। अकरम भाई क्या गुनाह हो गया इसमें? अकरम भाई क्या गुनाह हो गया अगर वो कह रहे हैं कि आपको भी पूरी तरीके से इजाजत है लेकिन दूसरे वर्ग को भी मैं जन्माष्टमी मनाने की इजाजत दे रहा हूँ, मैं कावड़ियों को भी इजाजत दे रहा हूँ कि वो अपनी इच्छाएं प्रकट कर सकते हैं? सर ये गुनाह हो गया क्या?
नहीं नहीं कहाँ इजाजत दे रहे हैं, उन्हीं ने तो हमारे मोहम्मद साहब के जन्मदिन की छुट्टी खत्म कर दी, उन्हीं ने तो पहले सबसे पहले आतंक के साथ यही काम कर दिया और उसके बाद आके मदरसों के ऊपर ये कह दिया कि आप राजगान क्या वंदे मातरम का गीत गाएंगे, ये कौन सी उन्हीं ने क्या बात कर दी है। ये कहिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे लाते रहो ताकि मुसलमान उस पर उलझा रहे, आवाम उसको उलझी रहे, मुद्दों पर ना जा पाए। जन्मदिवस पर छुट्टी नहीं, कई और बड़े लोगों के नाम जो जन्म दिवस पे छुट्टी हटाई गई और यही बात करी गई कि हम उनसे कुछ सीखें। मेरे को जहां तक ध्यान है शायद डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर छुट्टी, लेकिन वो महापुरुष थे जितेंद्र और वो ईश्वर की आस्था का सवाल है, दोनों मुद्दे अलग हैं। बहरहाल ठीक है राकेश, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था। ठीक है प्रदीप सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिंह जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था आपसे पहले भी कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं ये कौन से नए भारत की परिभाषा दिखाने की कोशिश की जा रही है इस तरह के बयान से, इस तरह का नया भारत हमें नहीं चाहिए। सर पिछले 5 साल में भी तो यही होता रहा, एक खास वर्ग के अजीज आप भी बनने की कोशिश करते रहे थे। नहीं घनश्याम जी, देखिए पिछले 5 सालों में ये कतई नहीं हुआ जो अब हो रहा है। पिछले 5 सालों में ये हुआ कि अगर हमने हज हाउस बनवाया तो हमने अयोध्या में रामायण स्थल के पास भजन कीर्तन भी बनवाया, भजन कीर्तन स्थल भी बनवाया। 5 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो काम किया जो हिंदू मुस्लिम और गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक था। लेकिन आज जो हो रहा है वो आप देखिए, आपने थाना में जन्माष्टमी का कार्यक्रम बंद करवा दिया है, दे रहा ये कहना है आपने 84 कोस परिक्रमा है उसको बंद करवाने का काम किया। कतई नहीं घनश्याम जी, मैं सिरे से इसको खारिज कर रहा हूँ। कतई नहीं, कोई बता दे एक आदमी, कोई एक आदेश दिखा दे, आप ये बताइए, बताइए आप मुझे, आप घनश्याम जी आप ये बताइए कि लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी चीफ गेस्ट बन के जाते थे, कैसी बात कर रहे हैं? कभी इस तरह की बात ही नहीं, रोक लगाई गई, रोक लगाने की बात कभी गलत नहीं और इस तरह की बात आपत्ति करिए, ऑन रिकॉर्ड है। उस समय उनका पवित्र महीना चल रहा था, उसमें उनको आपत्ति हुई और झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत सांप्रदायिक, फिर पुलिस आई हुआ, लेकिन संत रविदास मंदिर के लाउडस्पीकर करवा दिए गए। अब आप बताइए मुझे आप, और ये सहारनपुर में कोई आदेश नहीं था, कोई मुख्यमंत्री ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया था। पुलिस ने तो था, आवाज किस बात की, उन्होंने कह दिया इस बात आपके शासनकाल में हटे, सिर्फ जो है आपके शासनकाल में हटे। आप नहीं नहीं, ये तो बोलने दीजिए, बात सुनिए भाई, नहीं नहीं बात सुनिए, कहिए, बात सुनने की मात्रा रखिए, बात सुनने की क्षमता रखिए। एक मिनट जीतन बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए। हमारी बात, मैं ये कह रहा था कि ऐसी कौन सी बात आ गई जहाँ पे गोरखपुर में आप ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं दूसरे मुद्दे पर लोग भटकाना चाहते हैं। आप तत्काल जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से अपना ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। मुझे लगता है कि समय नहीं इस तरह की बात करने का। इस तरह की बात करके आप जो मुद्दे हैं इस समय, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात हो रही है। बेसिक एजेंडा यही है कि मुद्दों से कतई कोई आदेश नहीं किया था अनिल अंकुर ने कि जन्माष्टमी पर रोक लगाने के लिए। समझिए अनिल अंकुर साहब, इस पूरे सिनेरियो को जरा आप अपने एनालिसिस के जरिए जरा रोशनी डालिए। सर आपको क्या लगता है, क्या ये बात यूं ही कह दी या फिर इस बात के दूसरे भी मर्म है जो समझने की जरूरत है यहाँ पर? देखिए घनश्याम जी आपने बहुत सही कहा और आपको बता दें हमारे कई सहयोगी ने इस बात को भी उठाया है। देखिए हर सरकार का अपना अपना एजेंडा होता है, समाजवादी पार्टी सरकार थी उनका अपना एजेंडा था और योगी की सरकार है इनका अपना एजेंडा है। अब जो एक बात कही जा रही है कि घटनाएं छिपाने के लिए एक बड़ा मुद्दा जैसे होता है कि एक लकीर है, इस लकीर को मिटाने से अच्छा ये है इसके बगल में एक बड़ी लकीर खींच दो। तो पिछले कई दिन महीनों से ऐसा हो रहा है कि अगर कोई घटना हो रही है उसमें जनता पीड़ित दिखाई दे रही है तो उससे एक बड़ी घटना सामने प्रकाशित हो जाती है, सामने आ जाती है, जिससे वो पीछे वाली घटना को लुभा भूल जाते हैं और नए वाले दर्द को चिल्लाने लगते हैं। मसलन अभी जैसे अभी हालिया जो घटना गोरखपुर वाली हुई, उस घटना को लेकर के सरकार की बहुत फूतू हो रही थी, तो उस सरकार से बचने के लिए एक नया इशू हम कह सकते हैं ये है ना, ये इशू सरकार की तरफ से छेड़ा गया है। और इसको कि अभी इसके पहले 15 अगस्त को ये एक आदेश जारी किया गया कि सभी मदरसों में
राष्ट्रगीत गाया जाएगा, राष्ट्रगान गाया जाएगा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं से प्लानिंग थी कि उस इशू को डाइल्यूट करने के लिए एक दूसरे इशू को हम लोग रेस करें, उसमें अगर वो रेस नहीं पाया तो दूसरा इशू सामने आ गया जो कल योगी जी का बयान था सामने रूप में। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भी ऐसा करती रही है और इसमें भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दे वास्तविक दिक्कतों से भी हावी हो जाते हैं। राकेश त्रिपाठी जी साहब, आप ही के पास आना चाहता हूं। सर, क्या वजह है कि किसी भी सरकार की मजबूरी हो जाती है कि एक खास वर्ग के साथ चलना ही है? किसी धर्म के साथ कोई सरकार कैसे जुड़ सकती है जब बात हम सबका साथ सबके विकास की करते हैं, जब बात हम सबके वोटों की करते हैं और सभी के वोट हासिल करने की हमारी कोशिश भी होती है, तब समय समय पर ये जताने की कोशिश क्यों है? घनश्याम जी, दो तीन बातें पहले और कही गई है पैनलिस्टों द्वारा, उसका जवाब दूंगा, फिर आपके प्रश्न का जवाब। अभी अक्रम साहब ने कहा कि हजरत साहब के जो है जन्मदिन पर छुट्टी रद्द कर दी गई है और बड़ा अत्याचार किया है। उनको जानकारी दे दूं, शायद जानकारी नहीं है, भगवान परशुराम की जयंती पर भी छुट्टी रद्द की गई है और छुट्टी रद्द करने के पीछे से उद्देश्य यही था कि लोगों को जानकारी मिले, विद्यार्थियों को कार्यालयों में उस दिन खुले, लोगों को मालूम हो कि आज कौन सा महत्वपूर्ण दिन है, उस बारे में कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाए। एक बात, अभी तमाम कांग्रेस पार्टी ने नरसंहार की संज्ञा दी, मैं चाहता नहीं हूं कि उस विषय पर डिरेल करूं इस विषय को, लेकिन कांग्रेस के कुकर्मों के कारण ही आज गोरखपुर में वो दशा बनी हुई है जिसको जबरदस्ती हाइप देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी राकेश जी, सर राकेश जी चुप थे ना सर 20 मिनट तक, मैं बोलने दीजिए, फिर आप इंटरव्यू करिएगा सर, जहां गलत लगे बोलिएगा, पूरा मौका है, बोलिए राकेश जी। देखिए, मैं गोरखपुर के मसले पर चर्चा नहीं करूंगा, वरना गोरखपुर के मसले पर चर्चा करूंगा तो आज आपने जो विषय तय किया है इस विषय से चर्चा हट जाएगी। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक धर्म की चिंता कर रही है, पूरी तरह से इस बात से असहमति जाहिर करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने यह मना किया क्या कि हम नमाज अब सड़क पर नहीं होने देंगे? नहीं, हमने कहा व्यवहारिकता के आधार पर अगर सड़क पर नमाज करने की आवश्यकता पड़ती है तो वो होती रहेगी, लेकिन जन्माष्टमी अगर आप थानों में होने से रोका जाएगा ये नहीं चलेगा। अब थानों में जन्माष्टमी होगी क्योंकि परंपरा के तौर पर कृष्ण जी का जन्म थाने के अंदर हुआ था, जेल के अंदर हुआ था। इस बात को पूरा भारतवर्ष मानता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ था, इसलिए सभी कारागारों में उनकी जन्माष्टमी मनाई जाती है और परंपरा के तौर पे हमेशा मनाते रहे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के समय में तुष्टीकरण के कारण जन्माष्टमी को आपकी सरकार है किसने मना किया? आप मनाते सर, इसीलिए उसका इस तरीके से बिल्कुल पिटना जरूरी है क्या? नहीं, फलाना ऐसा करता है तो हम भी ऐसा ही करेंगे, उनको मैं नहीं रोक सकता तो मैं किसी और को नहीं रोक सकता, आप मनाइए सर। हमने तथ्यों को उद्धृत किया है केवल, हमने तथ्यों को उद्धृत किया है केवल कि कैसे कांवड़ यात्रा पर डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया पिछली सरकार में। हमने कहा कि वो सब यात्रा नहीं है, कांवड़ यात्रा है तो उसमें हर्षोल्लास होगा, उसमें ढोल ताशे वाद्य यंत्र बजेंगे, ये कोई सब यात्रा नहीं है। इसलिए हमने उस बात का उल्लेख किया कि पिछली सरकार किस तरह से तुष्टीकरण कर रही थी और हम आज कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा, हमने बहुत स्पष्ट किया है। हमने कहीं मना नहीं किया कि हम अजान पर कहीं लाउड स्पीकर उतार रहे हैं, ना हम अजान पर लाउड स्पीकर नहीं उतार रहे हैं, तो आरती पर भी स्पीकर नहीं उतारेगा। आप आपत्ति करेंगे क्यों, मुझे ये बताइए ना, आप ये एहसान क्यों जताने की कोशिश करते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया? एहसान नहीं करेंगे ना सर, आप सबकी सरकार हम जो पिछली सरकार ने गलतियां की है उन गलतियों को सुधारने का काम कर रहे हैं। अकरम अंसारी साहब, ये एहसान जताने की कोशिश है क्या? अकरम अंसारी, फिर मैं आगे आ रहा हूँ पांडे जी के पास। सीधे तौर पर हमें कहना है कि हिंदुस्तान में हर धर्म के लोगों को अपने तरीके से सारे अपने प्रोग्राम करने की इजाजत है, लेकिन उसके बाद भी सीधे ये सरकार मुसलमानों को धमकाने का काम कर रही है। कैसी बातें कर रहे हैं साहब, इसमें क्या धमकाया गया? आप एक बात बताइए, इससे पहले यहीं से आप लोग अपनी राजनीति शुरू करते हैं, योगी जी ने है कोई धमकाया यहाँ पे? बहुत गलत बात का आपने शब्द प्रयोग किया है। घनश्याम जी बोलने दीजिए, मैं आपको बताऊँ, इससे पहले उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक से कायदे से पेश आए वरना इसको उनको जवाब मिलेगा। उसके उन्होंने कहा वंदे मातरम गाओ, उसके बाद उन्होंने कहा छुट्टी हमारे मोहम्मद साहब की खत्म ही कर दी, अब उसके बाद उन्होंने कहा नमाज सड़क पे होती है, एक तो सबके साथ की बात करते हैं, धमकी देते हैं।
चार बिंदु बोले, चारों के चारों गलत बोले आपने अंसारी साहब। आप ये गलत बात है। नहीं, पहले भी ये बात कही है और बात एक बार का चल रहे हैं, बात जन्माष्टमी की हो रही है। नहीं नहीं, और बात जन्माष्टमी में कोई खास नहीं है, मुझे अंसारी साहब निवेदन है मेरा। देखिए बड़ा आश्चर्य यह है कि समाजवादी पार्टी यादव बहुल समाज की एक रिप्रेजेंटेटिव मानी जाती है, जो स्वयं श्री कृष्ण के वंशज हैं, और वो जन्माष्टमी अगर थाने में मनाई जाती है उसके उस बयान पे वक्तव्य पे विरोध कर रहे हैं। वो भी मना कर रहे थे साहब, हमने नहीं किया ऐसा। आप प्रदीप सिंह साहब, लिखित आदेश है भाई, कब किया है ऐसा? लिखित आदेश है घनश्याम जी, गांव यात्रा में डीजे पर प्रतिबंध, लिखित आदेश है। मुरादाबाद के खिलाफ लाउड स्पीकर उतारने पर ही पूरा बवाल हुआ था। ठीक है, कोई आदेश नहीं है। प्रदीप सिंह जी, आपके आपके मौजूदा डीजीपी ने कहा कोई आदेश नहीं था पिछली सरकार का कि जन्माष्टमी पर रोक लगाई जाए। कैसे आप कह सकते हैं रोक लगाई गई? अभी आप बवाल क्यों कर रहे हैं? यात्रा की भैया किस पार्टी कह रहे थे? कांवड़ यात्रा के इस वक्त कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है। पहले बात सुनिए भाई आप राकेश त्रिपाठी जो कह रहे हैं कांवड़ यात्रा पे भी रोक नहीं लगाई गई थी। कहीं कहीं अगर हिंसा रोक लगाई ये हुआ था कि कांवड़ यात्रा को कम से कम सही तरीके से संचालित किया जाए। डीजे गलत चीज है, यात्रा में डीजे पर रोक लगाई थी चौरासी कोस की परिक्रमा पर रोक लगाई थी कि नहीं लगाई थी? प्रदीप सिंह, चौरासी कोस की परिक्रमा पर रोक लगाई थी कि नहीं लगाई थी? मदरसों में रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं और उसके बाद उसकी सूची तैयार करा रहे हैं, ये कौन सी बात? मदरसे में रिकॉर्डिंग हो रही है तो क्या दिक्कत है? कुछ गलत हो रहा है क्या? रिकॉर्ड हो जाएगा वो? अरे सही है, रिकॉर्ड होने की क्या दिक्कत है? हर जगह रिकॉर्डिंग हो ना, फिर रिकॉर्डिंग हर जगह अच्छा काम हो रहा है, कहीं अच्छा काम हो रहा है तो हर जगह काम बहाना होने पाए नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ मदरसों में लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप एक वर्ग पे कहीं कहीं शक की दृष्टि से देख रहे हैं। यही मैसेज देने का काम आप पिछले 5 साल से करते रहे प्रदीप सिंह, यही मैसेज देने का काम करते रहे पिछले 5 साल भी आप, यही मैसेज देते रहे आप। कृष्णकांत पांडे जी, ठीक है प्रदीप जी ठीक है। कृष्णकांत पांडे साहब, क्या ये खास इमेज है जिससे बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है और इससे निकलना मुश्किल हो पा रहा है और उसी में रह रहे की बयानबाजी हो रही है? प्रदीप सिंह जी, आरोप पांडे साहब। घनश्याम जी, हमें आज के इस मौके पे गोरखपुर की चिंता है। मुख्यमंत्री का वह बयान जिसमें मौतें प्रति वर्ष होती रहती हैं, सफाई न होने के कारण यह मृत्यु हो रही है, इतने हल्के और घटिया बयान की निंदा करने का आज वक्त है। स्वास्थ्य मंत्री का बयान जो आंकड़ा गिनाते हैं स्वास्थ्य मंत्री और कहते हैं अगस्त के महीने में मृत्यु होती है, इतना गिरे हुए स्वास्थ्य मंत्री का अब तक त्याग पत्र नहीं हुआ इस सरकार के इस घटिया मानसिकता का विरोध हमें। आप जिस विषय पर कैलाश सत्यार्थी द्वारा क्या बीच में आप बोले? आप बोले रमापत शास्त्री जैसा जो काबीना का मंत्री है इनका, वो कहते हैं गोरखपुर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और साक्षी महाराज कम से कम उनको सूझबूझ सही आई, उन्होंने नरसंहार की संज्ञा दिया। और अमित शाह जी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश और देश की सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का बयान कि बड़े देश में ऐसी घटनाएं होती रहती है। ऐसे लोग जिनके इस तरह के बयान आए हैं, गोरखपुर का डीएम आज तक पड़ा हुआ जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, 5 डीएम की रिपोर्ट ही अगर देख लिया जाए तो रमाशंकर शुक्ला से लेके राजकुमार, इसके बाद हुए कलीप खान, बलराम और महिमा मित्तल जैसे, सतीश शर्मा जैसे तमाम ऐसे नाम जो उनकी रिपोर्ट में दोषी हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और एक दिक्कत और है, उत्तर प्रदेश की संवेदनशील जनता की ओर से पूछना चाहता हूं कि जिस बच्चे मर रहे हैं गोरखपुर में और दूसरे दिन में हमारे मुख्यमंत्री जी तमाम मंत्रियों के साथ इलाहाबाद में 56 भोग व्यंजन का लुप्त उठा रहे हैं, तमाम वायरल हुआ, यह संवेदनहीन मुख्यमंत्री जिनका संसदीय क्षेत्र है गोरखपुर। पांडे साहब, हमारे मंदसौर में क्या क्या हुआ? राहुल गांधी इटली चले गए, उस मुद्दे पे तो आने नहीं चाहते ना, हम उस मुद्दे पे नहीं आने चाहते। मंदसौर में एक तरफ आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया, राहुल गांधी इटली के लिए रवाना हो गए, तो हम बात ही नहीं कर रहे। बात नहीं कर रहे, मुझे आज के बयान की बातचीत नहीं। राकेश जी बोले, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है पांडे जी, आप देखिए घनश्याम जी, आपने आज विषय को
कुछ औरतें किया था, लेकिन जानबूझ करके कृष्णकांत जी ने जिस तरह से गोरखपुर के विषय पर ले जाना चाहा है, मैंने आपसे कह रहा हूँ सर, ये प्रदेश का ये निकलेगा सर, ये प्रदेश का दर्द निकलेगा कहीं कहीं पे, बात आई से कह रहा हूँ। अरे भाई दर्द मेरा भी है, रोबोटक नहीं हो सकता, केवल कृष्णकांत जी का नहीं है, ठीक है, दर्द केवल कृष्णकांत जी का नहीं, दर्द मेरा भी है। जवाबदेही भी आपने 1978 से, अकाउंटेबिलिटी भी आपने 1978 से लेकर के गोरखपुर में 1978 से लेकर के अब तक लगातार हर वर्ष सैकड़ों बच्चों की मौतें होती रही हैं, यह सत्य है, आंखें मूंदने से सत्य छिप नहीं जाएगा। पहली बात, एक मिनट का समय हमको भी दीजिए। पहली बात, दूसरी बात, जब कांग्रेस की संपर्क की 10 वर्ष की सरकार थी, उस 10 वर्ष की सरकार में पूर्वांचल में जापानी इंसेफेलाइटिस की रोकथाम के लिए कांग्रेस ने क्या प्रयास किया? कृष्णकांत जी के इस बिल्कुल इसका जवाब दूंगा, रायबरेली में मुद्दा मुद्दा लेकर के गई थी, बता देती कांग्रेस कांग्रेस को अधिकार नहीं इस बात पर बात करने का, और कांग्रेस इस तरह से बच्चों की मौत में ऑक्सीजन तलाश रही है, सिर होनी चाहिए कांग्रेस को। अगर कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति है तो कांग्रेस बच्चों की मौत पर राजनीति कर रही है, कांग्रेस संजीवनी मंत्रालय से बच्चों की मौत पर राजनीति कर रही है, कांग्रेस को अधिकार नहीं बात करने का, कांग्रेस कैसी राजनीति कर रही है, दोनों की बातें समझ नहीं आ रही है ये असल में जो चुनकी मैंने हो रही है, असल मुझे सिद्धांत बचाने की कोशिश है क्या, और जिस मुद्दे पे असल में हम हैं उसमें आपको क्या समझ में आता है, ये राजनीति की नई कोशिश है सर। आप दोनों की आवाज म्यूट हो गई है, मत बोलिए, आपके अंतर है या बढ़ गई है, बच्चों के सर्व करनी चाहिए आपको। मौलाना साहब आपसे सवाल है, त्रिपाठी जी एक मिनट, आप बोलिए, डाउन हो गए, आप बोलिए सर, एक मिनट सुन लीजिए, अरे सर एक मिनट सुन लीजिए, सर एक मिनट सुन लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही टीवी में, आप जरा खामोश हो जाइए, आपकी आपका साउंड म्यूट हो गया, सुनिए सुन, आप बोलिए, उन्हें आवाज नहीं जा रही, अरे सुनिए मौलाना, आप बोलिए, मेरी बात सुने, जैसा कि अभी त्रिपाठी जी ने कहा था कि हम थाने में इस चीज को जो है बंद नहीं कर सकते, यानी जन्माष्टमी मनाई जाएगी, मेरा मानना यह है कि थाने में हर तरह के हर मजहब के लोग जो है वहां पर तैनात होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप जन्माष्टमी थाने में मना नहीं कर सकते तो क्या आप, अगर वहां एक थाने में चार आदमी वहां मुसलमान है तो क्या आप सबके लिए अलग अलग मुसल्ले बिछवाएंगे क्या? यह तो आप सबका विकास सबका साथ अगर लेकर के चलना चाहते तो फिर सबों को एक मुसल्ला दे दीजिए, सब पुलिस वाले वहां नमाज पढ़ेंगे जो अपने इस्लाम को मानते हैं, या ईसाई वाले उनके लिए अलग से एक जगह बना दीजिए। मैंने आपसे एक बार कहा कि हम लोगों को जब हमें जरूरत पड़ती है, जब हमारी मस्जिदों में जगह नहीं होती, जब हम लोग बाहर आते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना कि जब मुसलमानों को हम मना नहीं कर सकते तो हम जन्माष्टमी को कैसे मना कर सकते, एक बात ये हो गई। दूसरी बात सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात, अरे आप सुन तो लीजिए प्लीज, अरे प्लीज सुन लीजिए राकेश जी, अरे प्लीज सुन लीजिए राकेश जी, अरे प्लीज सुन लीजिए राकेश जी सर हो गए आपकी बात, सर हो गई सर, सर 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 कृष्णकांत पांडे साहब, सर सर आपके विधायक दोषी पाए गए, सर आप 9 बजे के बाद बाहर चले लीजिएगा सर स्टूडियो के, प्लीज सर 9 बजे के बाद चले लीजिएगा सर, अरे सर ये बाबा बीजेपी नहीं हो रहा ना सर, आप लोग भी और लोग भी हैं, कृष्णकांत जी पानी पीजिए सर पानी पी लीजिए थोड़ा आराम करिए सर, बोलिए। देखिए त्रिपाठी जी, कृष्णकांत जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपको एक घंटे में मुश्किल से 5, 7 या 10 मिनट दिए जाएंगे, और इसके अलावा बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये बीजेपी वालों का पुराना सबक रहा है कि जब भी कोई
बीजेपी के मुद्दे के खिलाफ कोई अगर किसी कौम को अच्छी बात बताना चाहे तो तुम शोर मचाना शुरू कर दो, इसलिए कि पूरी कौम और पूरी जनता पूरी दुनिया देखिए फिर के पेट में दर्द हुआ, फिर पेट में दर्द हुआ, फिर पेट में दर्द। अरे कौन शोर मचा रहा है, प्लीज सुन लीजिए, आपको बाकायदा अगर कोई भी आरोप आपको डर लग रहा है बोलते रहिए। अरे बात तो सुनिए, आप उनकी बात जैसे हमने पिछले 25 मिनट से आप तमाम लोगों की डिबेट सुनिए, मेरी प्लीज सुन लीजिए। बीजेपी वालों का सबक यह है कि अगर कोई आदमी किसी भी पार्टी से हो, किसी भी तंजीम से हो, किसी भी समाज से हो, अगर कोई आदमी सरकार के खराब काम के खिलाफ अगर कौम को पूरे मुल्क को बताना चाहे तो आप लोगों को बाकायदा इसका पाठ पढ़ाया जाता है कि शोर मचाना शुरू कर दो ताकि जनता न समझ सके कि सरकार ने कहां कहां गलत किया। अभी गोरखपुर के बच्चों के ऊपर जब बहस शुरू हुई तो आपके पेट में दर्द हुआ। अरे जो घटना हुई है उसको आपको मानना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। और हमारे मंत्री जी का ये लेकिन विषय नहीं है, मैं फिर भी आपका मंच से मैं जो भाजपा प्रवक्ता है उन्हें निवेदन करूंगा कि वैसे तो कोई मुआवजा इन बच्चों की वापसी नहीं कर सकता, उसका कोई इलाज नहीं है, कृपया फिर भी उनकी भावना कुछ उनको आपकी गलती का अरे कोई कसूरवार तो होना चाहिए, कसूरवार तो बजाना चाहिए। और तो कोई कसूरवार नहीं है, कम से कम उन्हें सब लोग पल्ला झाड़ रहे अपने, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। परिवार को 20-25 लाख रुपए कम से कम मुआवजा दीजिए। अरे मुआवजे से कुछ नहीं होता खुराना जी, मुआवजे से कुछ नहीं होता। जो लोग कसूरवार है उनको सस्पेंड किया जाए, उनको जेल में डाला जाए। बच्चे हमारे भी है, बच्चे आपके भी है। इस घटना को बहुत सस्ते में लेना ये अकल के खिलाफ है। मुआवजा भी दिया जाए दोषियों को सजा मिले। और फिर मैं वापस उस मुद्दे पर आना चाहता हूँ, जैसे आदित्यनाथ जी जैसे एक जनशाम जी प्लीज एक मिनट रुकिए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हो सकता है सब थक चुके हूँ बोलते हुए, मैं कहना चाह रहा हूँ जिस तरीके से आदित्यनाथ जी ने यानी सीएम उत्तर प्रदेश ने कहा है कि जब मुसलमान रोड पर आकर नमाज पढ़ता है हम उसको मना नहीं कर सकते, तो हम थाने में जन्माष्टमी को कैसे मना कर सकते हैं। अब मेरा आदित्यनाथ जी से यानी सीएम उत्तर प्रदेश से ये सवाल है कि अगर चार आदमी वहां मुस्लिम तैनात हैं, वहां सिपाही हैं या थानेदार हैं या दारोगा है या कोई भी है, अगर वहां पर वो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं तो क्या आप तमाम लोगों को चार चार मुसल्ले सरकार की तरफ से भिजवाएंगे? कल आप ही के सरकार, अगर आप चाहेंगे तो आपकी पीछे की जो लोबी आप जिसके तहत आप काम करते हैं आरएसएस, वो फौरन ये कहेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको उतार करके भाग कर दिया जाएगा, किसी ऐसे आदमी को उस कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा जो उनके काम उनके मन का काम। ठीक है, जवाब ले लें राकेश जी, जवाब फिर मैं आगे भी चल रहा हूँ सर। आरिफ कासमी साहब का यह कहना कि हम शोर मचाते हैं, ये पूरी तरह से तथ्यों से परे है। मैं बिल्कुल शोर मचाते हैं, अभी आप अभी आप 10 मिनट से शोर मचा रहे हैं सर, जो सर आप बोल रहे हैं आप अपनी बात पर लागू नहीं है। देखिए मैं स्पष्टता से कहना चाह रहा हूँ, अगर सड़क पर नमाज होती है, आप कह रहे हैं कि थाने में चार मुसलमान हैं तो उनको उनकी आस्था को चोट पहुंच जाएगी। आप जन्माष्टमी मना रहे हैं ना, आप नमाज भी पढ़वाइए। वो सड़क पर सार्वजनिक स्थान है, आप सड़क पर कहिए जन्माष्टमी बहुसंख्यक किसी बहुसंख्यक की अगर भावना ठेस नहीं पहुंच रही है, सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने से अगर किसी को आपत्ति नहीं हो रही है, आपने को आप बताने में जन्माष्टमी मनाने से आपत्ति आपको क्यों हो रही है? आप प्रस्ताव कर लीजिए कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप प्रस्ताव नहीं पढ़ेंगे, अरे नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास जगह नहीं, सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो थाने में जन्माष्टमी होगी। त्रिपाठी जी, सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो थाने में जन्माष्टमी होगी। सुनिए त्रिपाठी जी, अगर मैं कल आपकी सरकार से ये सवाल करूं, ये निवेदन करूं
कि हमारे यहाँ जुमे में या ईद में जगह कम पड़ जाती है, हमें रोड पर जाना पड़ता है, तो आप हमें जगह दे दीजिए। अभी आपका कहना यह था कि जब उनके पास शमशान घाट के लिए पैसा नहीं तो कब्रिस्तानों के लिए के। जब आप कब्रिस्तानों के लिए पैसा नहीं दे रहे तो आप हमें जगह कैसे दे सकते हैं मस्जिदों में? जब मस्जिदों में आदमी नहीं है तो रोड पर ही जाएगा और वो वहां के प्रशासन की इजाजत के बगैर रोड पर नहीं जाएगा। तस्मी साहब, आप सोए हुए हैं या जानबूझ करके सोने का नाटक कर रहे हैं? टिप्पणी करी थी जो यूपी सरकार पे, समाजवादी सरकार पे, कि क्या आप एक पक्ष के लोगों को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं अनकंडीशनली? मेरे ख्याल से श्री प्रदीप सिंह जो है ध्यान होगा, ये अपीजमेंट पॉलिसी से बाहर है ना। दुर्गा पांडालो अनिल के ऊपर सर बाहर है ना सर, कुछ बातें न्यूट्रल है सर, कुछ बातें न्यूट्रल समझ जाए सर, समाजवादी सरकार में अनिल के अंकुर साहब नहीं मिलती थी। अनिल के अंकुर साहब, क्या वाकई बहुसंख्यकों की बात करना सांप्रदायिकता हो जाती है? ये ऐसा कतई नहीं है कि बहुसंख्यकों की बात करना संप्रदायिकता हो, कतई नहीं ऐसा होना चाहिए। जो लोग ऐसा सोचते हैं गलत सोचते हैं। समाज में सबको एक सरकार होती है, सरकार को समाज में जो भी प्राणी है वो एक समान दृष्टि देखता है। और अगर कुछ लोग कहते हैं कि अगर बहुसंख्यकों की बात करना संप्रदायिकता है, ये गलत बात है। लेकिन जो सरकार है, जो आज का जो हमारा इशू है, जो हमारा मुद्दा है, वो उस मुद्दे में जो हमें बात करनी है कि सड़क पेट अजान करना कितना उचित है या क्या बोलते हैं, क्या था वो, थाने में जन्माष्टमी जन्माष्टमी कितना उचित है। अब इस मुद्दे को लेकर के हमें इशू किस इशू पे कर रहे हैं, सारे इशू छोड़ करके हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। हमने अभी तक जितनी बातें हुई वो इस मुद्दे से हट करके बातें हुई। हमें ये देखना है कि सरकार का एजेंडा क्या है और सरकार किस एजेंडे पे काम कर रही है और क्यों कर रही है। देखिए, बहुत जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार पे आई है तो किस एजेंडे पे आई है, तो उसी एजेंडे को सॉल्व करेगी। समाजवादी पार्टी आती है, वो उस एजेंडे पे आती, जिस एजेंडे पे आती है उसको हल करने की कोशिश करती है। तो हमें इसमें इशू नहीं बना, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि हम जिस एक काल्पनिक एक वो सरकार की कल्पना करते हैं जो पूरी तौर से समाज के लिए बहुत ही सुव्यवस्थित सुविचार करने वाली सरकार होगी, ऐसा नहीं संभव होता। ना आज की सरकार में दिख रहा है, ना पिछली सरकार दिखा है। ठीक है, यानी ये विभेद हमेशा रहे हैं। तो प्रदीप सिंह साहब, जब ये पहली चीजें चली आ रही हैं, तो अब अगर कुछ उसी तर्ज पे होता हुआ दिखाई देता है तो तकलीफ क्यों जी? एक प्रश्न जी, राकेश जी, विभेद कहाँ है सर? विभेद कहाँ है, विभेद बता दें मुझे। ठीक है, प्रदीप सिंह जी। जी जी, प्रदीप सिंह साहब, ये तो रवायत चली आई है सर प्रदेश में, लगते तो सुनाई नहीं पड़ता है आप। ठीक है प्रदीप सिंह जी, ये तो रवायत है सर प्रदेश में कि एक के साथ साथ में रहना है, एक को अलग करना है। क्या अभी भी आपको सीएम योगी के बयान से यही रवायत आगे फॉलो करती हुई दिखाई देती है? और अगर ऐसा ही है तो फिर इसकी वजह क्या है? नहीं, ये रवायत नहीं थी, लेकिन ये रवायत पैदा की जा रही है। मुझे लगता है कि जब बुनियादी चीजों को छोड़कर और दूसरी चीजें पैदा की जाए, दूसरी चीजों पर बहस किया जाए, तो निश्चित रूप से इस तरह की बातें पैदा होती है कि जन्माष्टमी वहां न मनाई जाए या रोड पे नमाज न पढ़ी जाए। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह सही है। रोड पे नमाज, काजमी साहब ने एक बात सही कही, भाई जब ईद में ईदगाह में उतनी जगह नहीं तो रोड पे नमाज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर जन्माष्टमी थानों में मनाई जाती है तो मनाई जाती है, वो इसमें कहीं कोई रोक नहीं है। हम लोग इस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, कि जनगणमन का ज्ञान करना चाहिए, जहां नहीं हो रहा वहां पे वीडियोग्राफी होना चाहिए। हम लोग इस पे नहीं बात कर रहे हैं, न कोई भाजपा का प्रवक्ता कह रहा, न कोई, जितने गड्ढा मुक्त सड़कें हुई थी, क्या गड्ढा मुक्त सड़कें हुई, क्या जो योगी सरकार ने आते ही कहा था कि एंटी भूमाफिया बनाई जाएगा, फिर उसका कोई रिकॉर्ड आया कि कितने लोग भूमाफिया आज की डेट में गिरफ्तार हुए? क्या ये बताया जाएगा कि जितने लोग एंटी, ठीक है सर, जो लड़कियों के छेड़छाड़ के मामले में क्या बताया जाएगा समाजवादी पार्टी के दौरान जो किसकी जांच कब तक आएगी? आज की उसमें क्या है? ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, असल मुद्दे के वाकई इतने गौड़ हो गए आरोप जितिन, असल मुद्दे से क्यों भटक गए सर हम? राकेश त्रिपाठी, देखिए हम कभी असल मुद्दों से नहीं भटके हैं। आज ही हमने जो चुनाव पूर्व वादा किया था ऋणमोचन का, किसानों का, हमने ऋणमोचन किया है। दुर्भाग्य ये है कि ऋणमोचन आज मुद्दा आपके यहाँ डिबेट का नहीं है,
दुर्भाग्य ये है किसानों के लिए हमने जो एक क्रांतिकारी फैसला किया है किसानों की आय में वृद्धि करने का, वो आज निर्णायक मुद्दा नहीं है। जानबूझ करके इस प्रकार के मुद्दे विपक्ष को भी सूट करते हैं जिससे जनता के असल मुद्दों पर बात न हो। आप चर्चा करिए आज कि आज किसानों के लिए बड़ा काम हमने करके दिखाया है। आज हमने हमारी सर एडिटोरियल टीम भी आप संभाल लीजिए और बता दीजिए कौन से विषय रखें और कौन से ना रखें। बहरहाल सर मैं प्रदीप सिंह बापू जी की बात को कह रहा हूं। समय नहीं है सर, समय नहीं है, मैं समझ गया। प्रदीप सिंह बापू जी कह रहे हैं कि आप चर्चा नहीं कर रहे हैं आपके लिए। हम तो जनता के मुद्दों पर चर्चा करने को समय कम है सर। बहुत शुक्रिया सर, समय कम है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में आने के लिए जुड़ने में। इससे ज्यादा समय मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। तो ये कोशिश है अपने अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड करने की, लेकिन ये कोशिश कितनी दूर तक और कहां तक इनके साथ काम आ पाएगी ये देखना होगा। लेकिन लोगों को भी समझना होगा असल मुद्दा है कौन सा, उनका अपना या फिर पार्टी का। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल देखेंगे।